नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज वर्ल्ड इंडिया में। आपके साथ मैं हूं पारुल त्यागी। आज पूरे देश में जहां नवरात्रों की धूम देखने के लिए मिल रही है, तो वहीं उत्तर प्रदेश के कोने कोने में भी मां के मंदिरों में भक्तों की भारी भीड़ देखने के लिए मिल रही है। भक्त सुबह से ही माता रानी के मंदिरों में पहुंच चुके हैं और ऐसे में माता के दर्शन कर हर कोई उनका आशीर्वाद लेना चाहता है। वहीं इस दौरान मंदिरों में कोरोना प्रोटोकॉल का भी अच्छे से ध्यान रखा जा रहा है। तस्वीरें आप देख सकते हैं, ये तीन तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, लखीमपुर खीरी से, सुल्तानपुर और कासगंज से, जहां पर भक्तों का तांता मंदिरों में लगा हुआ है और नवरात्रों के पहले दिन हर कोई मंदिर पहुंचकर पूजा अर्चना यहां पर करना चाह रहा है। आपको बता दें, पिछले दो साल से कोरोना की वजह से मंदिर बंद थे, जिसके बाद अब मंदिर खुले हैं। हालांकि इस बार कोरोना प्रोटोकॉल जरूर है, लेकिन उसके बावजूद भी वहां पर सभी तरह के कोरोना प्रोटोकॉल्स का पालन किया जा रहा है, जिसके बाद ही भक्तों को एंट्री दी जा रही है। तो ऐसे में ये लखीमपुर खीरी में देख सकते हैं किस तरह से सुबह ही भक्त मंदिर में पहुंच गए और पूजा अर्चना कर रहे हैं। साथ ही सुल्तानपुर की तस्वीर भी दिखा रहे हैं, जहाँ पर मंदिर में भारी भीड़ ये देखने के लिए मिल रही है। वहीं कासगंज में भी हर कोई जलाभिषेक कर रहा है और ऐसे में मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। आज से नवरात्रों की शुरुआत हो गई है और आज नवरात्रों का पहला दिन है, जो कि मां शैलपुत्री का पहला नवरात्र है। इसके चलते आज हरिद्वार के प्रसिद्ध मां मनसा देवी मंदिर में श्रद्धालुओं की भारी भीड़ देखने को मिली, जहां देश के कोने कोने से श्रद्धालु मां मनसा देवी के दर्शन करने के लिए पहुंचे हैं। मां मनसा देवी मंदिर के पुजारी पंडित गणेश शर्मा ने बताया कि नवरात्रों में माता रानी सभी के घरों में विराजमान होती हैं और सभी भक्तों को आशीर्वाद देती हैं और उनकी मनोकामनाएं पूरी करती हैं। वहीं वहां पर पहुंचे श्रद्धालुओं का कहना था कि मां मनसा देवी के दरबार में आकर सुकून मिलता है। सभी नौ देवियों के शक्तियों का वास होता है और सभी भक्तगण माँ भगवती के नौ रूपों की पूजा करते हैं। फल फ्रूट जो भी व्रत का सामान होता है, उसी प्रकार से फल लेके आना है, मिठाइयाँ व्रत वाली लेके आनी है, माला फूल सुगंधित अगरबत्ती द्वारा माँ का श्रृंगार किया जाता है। धूप सुगंधित धूप से माँ का श्रृंगार कर माँ की आराधना करनी चाहिए और माँ की स्तुति गान दुर्गा सप्तशती का पाठ, दुर्गा चालीसा का पाठ द्वारा माँ का पाठ पूजा करना चाहिए। माँ ने समाप्त कर दिया है लगभग, अब वो अंतिम क्षण में है। भगवान की भगवती की इतनी कृपा है कि भक्तों को इसका कोई प्रभाव नहीं, भक्तों में बहुत उत्साह है और भीड़ अच्छी, बहुत अच्छी भीड़ चल रही है। आप सभी को जय माता दी। मैं रीनू सिंगल, मैं खड़खड़ी से आई हूँ। हम हर बार यहाँ नवरात्र में माँ के दर्शनों के लिए आते हैं। आज नवरात्रि का पहला नवरात्र पे ब्रह्म मुहूर्त में माँ के दर्शन करके जीवन का कृतार्थ किया, बहुत अच्छा लगता है यहाँ आकर के। और हम अगर कभी किसी कारण से ना भी आ पाएँ तो भी बस चाहे कैसे भी हो बस आना ज़रूर है। सारे काम का छोड़ के बस यहाँ पर आ जाते हैं और बस माँ के जीवन दर्शन कर लेते हैं और अच्छा लगता है। वैसे तो सबको गाइडलाइन का पालन करना चाहिए, वैक्सीनेशन हो चुका है ऑलमोस्ट, पर फिर भी सबको गाइडलाइन का पालन करना चाहिए। बस माँ के ऊपर भरोसा है, सब माँ सब अच्छा करेंगी। मनसा देवी स्थित मंदिर में है, जो कि आज नवरात्र का पहला दिन है और माँ शैलपुत्री का नवरात्र का पहला दिन है। मेरे साथ कुछ श्रद्धालु है जो कि यह आस्था भाव से आइए, आइए इनसे जानते हैं आज कैसा पहले नवरात्रों का दिन है, जो ये मनसा देवी पे आए हैं और कैसा इन्हें लगा है, क्या आशीर्वाद माता रानी से इन्हें मिला। क्या नाम है आपका? तलजीत सिंह। कहाँ से आए आप? पंजाब से हैं। तो आज पहला नवरात्र का दिन है, आप मनसा देवी आए हैं, तो कैसा आपको? हाँ जी, श्रद्धा का प्रतीक अपना है माँ मनसा माता और हर साल नवरात्र में यहाँ पर अच्छा भीड़ भड़का रहता है और श्रद्धा से सब लोग यहाँ माँ माई के दर्शन करने आते हैं और बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे माँ माई के दर्शन करके। ये अनुभव होता है कि नवरात्र के टाइम पे माँ माई के दर्शन किया गया। कोरोना का ये समय भी चल रहा है, तो आपको मतलब कैसा यहाँ मंदिर में देख के लग रहा है, पालन हो रहा है या नहीं? नहीं, कोरोना के कोविड के चलते हुए यहाँ पर कोरोना का पूरा पालन किया गया है और कोविड के चलते हुए सभी भीड़ भड़क का इतना नहीं है और उसका भी सोशल डिस्टेंसिंग सारे रखी गई है और बहुत भक्ति भावना से सबके सभी भक्तों को दर्शन कराए गए हैं। तो
तो ये थे हमारे साथ पंजाब से आए हुए श्रद्धालु, जिन्होंने बताया है कोविड गाइडलाइन का पालन भी हो रहा है, माता रानी के किस प्रकार इन्होंने दर्शन करे हैं। कैमरा पर्सन के साथ सोमू के साथ मैं ऋषभ चौहान, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, हरिद्वार। नवरात्रि के पहले ही दिन माता के दर्शन करने के लिए मंदिरों में भक्तों की लंबी कतार लगी हुई है। कानपुर का बारा देवी मंदिर पौराणिक और प्राचीनतम मंदिरों में शुमार है और इस मंदिर का सटीक इतिहास तो किसी को भी नहीं पता, लेकिन कानपुर और आसपास के जिलों में रहने वाले लोगों में इस मंदिर की देवी के प्रति अटूट आस्था है। तभी तो साल के 12 महीनों और खासकर नवरात्रि में लाखों भक्तों की अटूट आस्था इस बारा देवी मंदिर में भीड़ के स्वरूप में देखने को मिलती है। कानपुर के दक्षिणी इलाके में स्थित बारा देवी मंदिर सिर्फ मंदिर की वजह से ही नहीं बल्कि इलाके का नाम से भी जाना जाता है। जिसके इलाके में ये मंदिर बना है उस इलाके का नाम भी बारा देवी ही है। मैं आज जब से मतलब हो गए 25 साल तो हो गए मेरे को उस मंदिर में, बहुत श्रद्धा है, प्राचीन काल से आता है। मेरे दादी बाबा लोग, फिर मेरे मम्मी पापा लोग हुए, फिर मैं जब से उसके बाद आना हुआ मम्मी मुझे लेके आती थी, जब से मैं आ ही रही हूँ यहाँ पर। यहाँ बहुत श्रद्धा है, हम 30 साल से आ रहे हैं बराबर। यहाँ पे कैसे जो भी मांगा रहता है हाँ पूरा होता है, ये माता सब पूरा करती हैं। माँ शारदीय नवरात्र का आज पहला दिन है और पहले दिन कानपुर के बारा देवी के मंदिर में भक्तों का तांता लगा हुआ है। शारदीय नवरात्र में भक्त यहाँ पर मन्नत मांगने आते हैं, यूँ तो जो है पूरे नवरात्र यहाँ भक्त जो है दर्शन करने आते रहते हैं, लेकिन शारदीय नवरात्र में इसका महत्व और भी बढ़ जाता है। यहाँ पर 9 देवियों की पूजा होती है। आशीष अवस्थी, न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया, कानपुर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज उत्तराखंड दौरा है और इस दौरान प्रधानमंत्री ऋषिकेश स्थित अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान एम्स में ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण करेंगे। साथ ही वर्चुअल माध्यम से वो देश भर के मेडिकल कॉलेजों अस्पतालों में स्थापित करीब 35 ऑक्सीजन प्लांट का भी लोकार्पण करेंगे। और उनके इस दौरे को लेकर जहाँ सरकारी तंत्र पूरी तरह से चौकन्ना है तो वहीं प्रदेश सरकार और संगठन भी उत्साहित है। ऐसे में चुनावी साल में पीएम के दौरे से राज्य को कई सौगातें मिलने की आस भी है। हालांकि प्रधानमंत्री का ये राजनीतिक दौरा नहीं है, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि वो उत्तराखंड के लिए कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं और ये घोषणा राज्य की सड़कों, टनल और सीमांत क्षेत्र के विकास, महिला कल्याण के लिए हो सकती है। पिछले कुछ दिनों से शासन और प्रशासन के स्तर पर पीएम के दौरे की तैयारियां चल रही थी और इसके साथ ही उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी खुद व्यवस्थाओं का जायजा लेते हुए नजर आए थे। कल मुख्यमंत्री ने एम्स ऋषिकेश पहुंचकर भी व्यवस्थाओं का जायजा लिया था। तो आपको बता दें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा है जहां पर वो पहले ऋषिकेश जाएंगे और एम्स के में ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन करेंगे और उसके बाद उनके केदारनाथ जाने की भी जानकारी मिल रही है। केदारनाथ धाम वो जाएंगे और वहां पर केदार बाबा के दर्शन करेंगे। ऐसे में हालांकि ये निजी दौरा है प्रधानमंत्री का, लेकिन उसके बाद भी कई उम्मीदें लगाई जा रही हैं, कई कयास लगाए जा रहे हैं कि वो उत्तराखंड की जनता को सौगात भी कुछ दे सकते हैं। और इसके साथ ही आपको ये भी बता दें कि तैयारियां काफ़ी जोरों शोरों से चल रही थी। पीएम मोदी के आगमन को लेकर खुद मुख्यमंत्री जगहों का, व्यवस्थाओं का निरीक्षण कर रहे थे। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से मुख्यमंत्री भी जायजा लेते हुए नजर आ रहे थे। और इसके साथ ही आपको बता दें कि पूरे सुरक्षा व्यवस्था भी चाक चौबंद की हुई है क्योंकि प्रधानमंत्री का आज दौरा है ऋषिकेश, वो पहुंचेंगे एम्स में, वो ऑक्सीजन प्लांट का उद्घाटन भी करेंगे। तो आपको बता दें आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उत्तराखंड जा रहे हैं, हालांकि उनके दौरे को लेकर कुछ दिन पहले ही जानकारी मिली थी, जिसके बाद से ही उनके दौरे
को लेकर तैयारियां काफ़ी तेज़ी से चल रही थी और ऐसे में सबसे पहले वो ऋषिकेश पहुंचेंगे जहां पर एम्स में ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण वो करेंगे। उसके बाद वो केदारनाथ धाम भी जाएंगे जहां पर केदार बाबा के दर्शन करेंगे। आपको बता दें कि चुनावी माहौल है इस समय और ऐसे में भले ही प्रधानमंत्री का ये दौरा निजी है, चुनावी दौरा नहीं है, लेकिन उसके बाद भी कयास लगाए जा रहे हैं कि हो सकता है वो उत्तराखंड के लिए कोई बड़ी घोषणा कर सकते हैं। साथ ही आपको ये भी बता दें कि ये घोषणा राज्य की सड़कों, टनल, सीमांत क्षेत्र के विकास, महिला कल्याण से जुड़ी हो सकती है, ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं। दरअसल आपको बता दें कि पिछले कुछ दिनों से शासन और प्रशासन भी पूरी तरह से तैयारियों में जुटा हुआ था। खुद मुख्यमंत्री जगह पर जा रहे थे, व्यवस्थाओं का जायजा ले रहे थे, निरीक्षण कर रहे थे ताकि प्रधानमंत्री के आने पर किसी भी तरह की कोई कमी ना रह जाए। इसको पूरी तरह से खुद मुख्यमंत्री इस बात का ध्यान रख रहे थे। साथ ही आपको ये भी बता दें कि तैयारियां पूरी कर ली गई हैं और सुरक्षा भी पूरी तरह से चाक चौबंद रखी गई है। चलिए ज्यादा जानकारी के साथ ऋषिकेश से हमारे संवाददाता संजय सिंह हमारे साथ जुड़ चुके हैं। संजय, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ऋषिकेश पहुंचेंगे, क्या कुछ अपडेट मिल रहा है और कैसी तैयारियां हैं वहां पर? संजय, आपको मेरी आवाज मिल रही है? चलिए शायद संजय से संपर्क नहीं हो पा रहा है, दोबारा से संपर्क करने की कोशिश करेंगे। तो ऐसे में आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा है, ऋषिकेश वो पहुंचेंगे जहां पर एम्स में ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण वो करेंगे और उसके बाद वो केदारनाथ धाम भी जाएंगे। आपको बता दें कि पिछले दिनों से ही शासन और प्रशासन पूरी तरह से पीएम के दौरे की तैयारियों में जुटा हुआ था और ऐसे में तैयारियाँ पूरी कर ली गई हैं। अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रवाना हो जाएंगे उत्तराखंड के लिए जहां पर सबसे पहले वो एम्स में ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण करेंगे ऋषिकेश पहुंचकर। एक बार हमारे संवाददाता संजय सिंह फिर से जुड़ चुके हैं, उनका रुख कर लेते हैं। संजय, आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंच रहे हैं ऋषिकेश में, कैसी तैयारियां हैं और क्या कुछ अपडेट मिल रहा है? यहां पर बहुत ज्यादा सख्त पहरा लगा हुआ है जहां का पुलिस है और जो एम्स का जो एरिया है उसको पूरा एसपी जी ने कैप्चर कर रखा है। उसमें किसी की जाने की अनुमति नहीं है और यहां पर जो अभी हेलीकॉप्टर ने एक बार ट्राई करा था, अब थोड़ी देर में प्रधानमंत्री पहुंचने वाले हैं और यहाँ तो बिल्कुल माहौल है वो एकदम, पुलिस ने पूरा घेर रखा है, किसी की भी हस्ती बिल्कुल भी नहीं है। बिल्कुल संजय, और क्या क्या प्रधानमंत्री के कार्यक्रम हैं और कितने बजे वो पहुंचेंगे, एम्स का उद्घाटन कितने बजे करेंगे ऑक्सीजन प्लांट का? ये 11 बजे यहाँ पहुंचने का उनका है और 12:10 वो यहाँ से निकलेंगे और यहाँ से जो करेंगे एक वर्चुअल 35 जगह के जो प्लांट लगे उनके वर्चुअल इनोग्रेशन करेंगे, साथ ही यहाँ का इनोग्रेशन करेंगे और यहाँ से जो है लगातार वो उसकी कवरेज जो है उनकी एजेंसी कर रही है और जितना भी मतलब यहाँ है जी बिल्कुल भी सील करा हुआ है और वो यहाँ से सीधे दिल्ली जाएंगे। अब वहाँ से जो उनको देहरादून जाना था वो भी फ्लाइट प्रोग्राम अब कैंसिल हो गया है। बिल्कुल संजय, और जानकारी ये भी मिल रही है कि प्रधानमंत्री का ये दौरा तो निजी है लेकिन उत्तराखंड के लिए वो कुछ खास घोषणा भी कर सकते हैं। हाँ जी हाँ, यहाँ अभी जो चुनाव का माहौल शुरू हो चुका है और हो सकता है कि वो यहाँ के लिए उत्तराखंड के लिए कुछ सौगात दे, एम्स के लिए कुछ सौगात दे, ऐसा पूरा माहौल बना हुआ है कि यहाँ के लिए कुछ ना कुछ वो देकर जाएंगे। चलिए ठीक है संजय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया इस तमाम जानकारी के लिए। तो आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का उत्तराखंड दौरा है, ऋषिकेश वो पहुंचेंगे जहां पर एम्स में वो ऑक्सीजन प्लांट का लोकार्पण करेंगे। सुरक्षा पूरी तरह से चाक चौबंद कर ली गई है, एम्स के आसपास के इलाके को पूरी तरह से
वहां पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, क्योंकि अब से कुछ ही देर बाद प्रधानमंत्री वहां पर पहुंचने वाले हैं। बाराबंकी में उस वक्त एक बड़ा हादसा हो गया जब एक तेज रफ्तार डबल डेकर बस और ट्रक में जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में अब तक 14 लोगों की मौत हो चुकी है, जबकि कई लोग अभी भी घायल बताए जा रहे हैं। वहीं मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोग राहत बचाव कार्य में जुटे हुए हैं। आपको बता दें कि बस दिल्ली से बहराइच की ओर जा रही थी जिस वक्त यह हादसा हुआ। देवा थाना क्षेत्र के बबुरिया गाँव का यह पूरा मामला है। तस्वीरें देख सकते हैं, बाराबंकी से ये तस्वीरें आ रही है, जहाँ पर कितना भीषण ये हादसा था। ये तस्वीरों के जरिए ही पता चल रहा है कितनी भीषण टक्कर ये बस और ट्रक में हुई है। हालांकि बस में काफ़ी लोग सवार थे, दिल्ली से ये बस जा रही थी, और ऐसे में रास्ते में यह हादसा हो गया, जिसके बाद 14 लोगों की इस पूरे हादसे में जान चली गई है, जबकि कई लोग घायल बताए जा रहे हैं। सर पता नहीं, हम तो सो रहे थे। तो कुल्लू मनाली इसलिए कहाँ दिल्ली से बस पकड़ी के घर जाने और कहाँ जा रहे थे? अब बहराइच। हम आ रहे थे दिल्ली से, बैठे हैं, मतलब आए थे कुल्लू मनाली से। कहाँ जा रहे थे? ये कन्नेलिंग। कैसे हो गया ये? अब ये हम लोग को नींद लग गई थी, हम लोग को इतना नहीं पता है। कुल कितने लोग थे गाड़ी में? ज़्यादा नहीं, तो 70-75 बंदे तो थे कम से कम। कितने लोग खत्म हो गए हैं, मर गए? क्या नाम है तुम्हारा? मेरा नाम मस्तराम। कहाँ रहते हो? जगतापुर डीहा में रहता हूँ, और थाना कन्नेलगंज है, वो तहसील कन्नेलगंज है, कर्रा थाना। कहाँ से जय जा रहे थे? कहाँ से? दिल्ली से आए थे, कन्नेलगंज जा रहे थे। तो कैसे हो गया, कुछ जान पाए? ये अचानक में ही हुआ, रात में 4 बजे। तो कैसे हुआ, किससे हुआ है? ट्रक से। कितने लोग एक्सपायर हुए हैं, कुछ पता है? ये तो नहीं पता है। आपके साथ के लोग? हमारे साथ के लोग 2 लोग नहीं मिल रहे हैं। तो ये भीषण सड़क हादसा हुआ है बाराबंकी में, जहां पर बस और ट्रक की जोरदार भिड़ंत हो गई है। तस्वीरें देख सकते हैं किस तरह से इस पूरे हादसे के बाद वहां पर आसपास के लोग इकट्ठा हो गए। हालांकि इस पूरे हादसे में आपको बता दें कि 14 लोगों की जान जा चुकी है। बस की क्या हालत है, ये तस्वीरों के जरिए देखा जा सकता है। हालांकि ये हादसा कैसे हुआ, किस तरह से हुआ, अब भी इसकी जानकारी नहीं मिल पा रही है, लेकिन इसमें कई लोग घायल भी बताए जा रहे हैं। चलिए, ज्यादा जानकारी के साथ बाराबंकी से हमारे संवाददाता रविंद्र पटेल हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रविंद्र, ये इतना भीषण हादसा हुआ है, ट्रक और बस की टक्कर हो गई है, क्या कुछ अपडेट है? अब तक कितने लोग घायल हैं और कितने लोगों की जान जा चुकी है? देखिए पारुल, यहाँ जो ये डबल टेकर बस है दिल्ली से बहराइच की तरफ जा रही थी, वहीं विपरीत दिशा में एक अयोध्या की तरफ से बालू लदा ट्रक आ रहा था। दोनों में आमने सामने की भिड़ंत हुई है, जबरदस्त टक्कर हुई जिसमें बस के परखच्चे उड़ गए हैं, वहीं ट्रक भी जो है डैमेज हुई है। इसमें अभी ऑफिशियल अनाउंस ये बताया जा रहा है, ऑफिशियल जो जानकारी अभी बताई जा रही है कि 9 लोगों की मौत हुई है और 27 लोग घायल है। लेकिन यहाँ पर पारुल बता दूं, मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है, काफी गंभीर लोग घायल है, उनको लखनऊ ट्रामा सेंटर भेजा गया है, जो कम गंभीर है उनका बाराबंकी जिला अस्पताल में इलाज चल रहा है। तो कहीं ना कहीं मौत का आंकड़ा बढ़ सकता है, क्योंकि कई लोग गंभीर घायल हैं, जिनकी मौत की भी गूंज रहे हैं। और ये रविंद्र, ये हादसा किस वजह से हुआ, क्या ये पता चल पाया है? जी बिल्कुल पारुल, यहाँ पर जो विपरीत दिशा से ट्रक अयोध्या की तरफ से आ रहा था, एक जो दिल्ली से डबल टेकर बस जा रही थी, ये अपनी सही दिशा में जा रही थी और शॉर्टकट लेने के चक्कर में ये ट्रक जो है विपरीत दिशा में जा रहा था। इसी के चलते सुबह 4 बजे ये घटना हुई है, जिसमें यहाँ पर 9 लोगों की अभी मौत हो चुकी है और 27 लोग ज्यादा गंभीर घायल है पारुल। बिल्कुल रविंद्र, और सरकार की तरफ से मुआवजे का भी ऐलान कर दिया गया है मृतकों और घायलों के लिए, लेकिन जो घायल है अभी उनकी हालत कैसी बनी हुई है? देखिए पारुल, यहाँ जो गंभीर घायल हैं उनको लखनऊ ट्रामा सेंटर उपचार के लिए भेजा गया है, वहाँ उनका इलाज चल रहा है, और जो कम घायल है उनका बाराबंकी में इलाज चल रहा है। मौके पर जिले के आला अधिकारी मौजूद हैं, यहाँ बाराबंकी एसपी यमुना प्रसाद खुद घायलों को अपने हाथ से उठाकर अस्पताल भेज रहे हैं। तो यहाँ युद्ध स्तर पर राहत बचाव कार्य जारी है और घायलों को जो है अस्पताल पहुँचाया गया है, और वहीं मृतकों को जो है पोस्टमार्टम के लिए भेजा गया है। 9 लोगों की मौत हो चुकी है, 27 लोगों की अभी ऑफिशियल जानकारी है घायल होने की।
चलिए रविंद्र, ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस तमाम जानकारी के लिए। तो बाराबंकी में ये भीषण सड़क हादसा हुआ है जहां पर बस और ट्रक की जोरदार टक्कर हो गई है और ऐसे में अब तक 9 से ज्यादा लोगों की मौत बताई जा रही है। हालांकि ये आंकड़ा अभी भी बढ़ सकता है क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो गंभीर रूप से घायल हैं और 27 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं इस पूरी घटना में, इस पूरे हादसे में, जिनका अब इलाज चल रहा है। लखीमपुर खीरी में हिंसक झड़प के बाद राहुल गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस नेताओं ने घटना में मारे गए लोगों के परिजनों से मुलाकात की। राहुल गांधी के साथ कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी, छत्तीसगढ़ और पंजाब के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और चरणजीत सिंह चन्नी भी मौजूद रहे। आपको बता दें, सभी नेता देर रात लखीमपुर पहुंचे और फिर पीड़ित परिजनों से मिलकर उन्हें सांत्वना दी। पिछले 24 घंटों में लखीमपुर कांड से जुड़े कई घटनाक्रम हुए हैं जहाँ एक और पहले विपक्षी नेताओं को लखीमपुर खीरी जाने की अनुमति देने से इनकार किया जा रहा था। वहीं उसके बाद योगी सरकार ने अपने फैसले में बदलाव किया और कई दिनों से पहले हिरासत और फिर उसके बाद गिरफ्तारी के बाद प्रियंका गांधी वाड्रा को भी रिहा कर दिया गया। आपको बता दें कि प्रियंका गांधी को पिछले दिनों लखीमपुर जाते समय सीतापुर में हिरासत में ले लिया गया था और बाद में उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया था। तो ये तस्वीरें देख सकते हैं आप, किस तरह से प्रियंका गांधी और राहुल गांधी जब लखीमपुर पहुंचे तो गले लगाते हुए किसानों के परिजनों को वो नजर आए। हालांकि काफी देर रात तक वो वहां पर पहुंचे थे क्योंकि पूरे दिन कल यही जद्दोजहद चलती रही सरकार और विपक्ष के बीच के इजाजत दी जाए जाने की या ना दी जाए, लेकिन शाम होते होते इजाजत राहुल गांधी को दे दी गई थी। प्रियंका गांधी को भी रिहा कर दिया था और ये तस्वीरें तब की हैं जब प्रियंका गांधी और राहुल गांधी दोनों किसानों के परिजनों से मिलने के लिए पहुंचे थे। हालांकि मौके पर भारी भीड़ भी वहां पर मौजूद रही। आपको बता दें कि साथ छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी भी मौजूद थे। केदारनाथ धाम आने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। दरअसल कोरोना काल के 2 साल बाद अब भक्तों को केदारनाथ भगवान के गर्भगृह के दर्शन करने की अनुमति दे दी गई है। हालांकि अभी भक्त केदारनाथ भगवान को दूर से ही देख पाएंगे। फिलहाल भक्तों को सिर्फ लिंग के दर्शन और परिक्रमा करने की अनुमति दी गई है। वहीं केदारनाथ में बढ़ती संख्या को देखते हुए जिला प्रशासन की ओर से व्यवस्थाएं भी बढ़ा दी गई हैं। आपको बता दें कि लिंचेली से केदारनाथ के बीच 100 के करीब टेंट लगाए गए हैं जबकि धाम में भी रहने के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। प्रशासन की माने तो धाम में करीब 8 से 10 हजार तीर्थ यात्री रह सकते हैं। ऐसे में रुद्रप्रयाग के डीएम मनोज गोयल ने जानकारी देते हुए बताया कि केदारनाथ में गर्भगृह दर्शन को लेकर देवस्थानम बोर्ड की ओर से SOP जारी की गई है। ये देवस्थानम बोर्ड का फैसला है जिससे तीर्थ यात्रियों में भी काफी खुशी देखने को मिल रही है। इस साल की जो चारधाम यात्रा कोल्ड द्वारा खोल दी गई थी, एक सीमित संख्या में खोली हुई थी, लेकिन कल ही कोल्ड ने जो है असीमित संख्या के लिए चारधाम यात्रा की इजाजत दे दी है। और जो 2 साल से कोरोना काल में गर्भगृह में दर्शन पूजन बंद था, वो एक आम श्रद्धालु के लिए, आम दर्शनार्थी के लिए आज से वो भी गर्भगृह में दर्शन कर सकते हैं, खोल दिए गए हैं। मैं इसी उपलक्ष्य में देश एवं प्रदेश वासियों को, चार धाम यात्रा करने वालों को ढेर सारी शुभकामनाएं और चार धाम तीर्थ पुरोहित और समस्त व्यापारी आपका समस्त यात्रियों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता है। जैसा कि SOP में स्पष्ट है कि कोविड प्रोटोकॉल्स का ही पालन अब किया जाना है, तो उसमें या तो आपका डबल डोज का वैक्सीनेशन या फिर नेगेटिव RT-PCR रिपोर्ट की व्यवस्था है। और यदि कोई व्यक्ति इसके बिना भी पहुंच रहा है तो उसका हम यहाँ पे लोकल लेवल पे हमने अनेक सेंटर्स कोविड जांच के बना रखे हैं जो हमारे बॉर्डर से शुरू होके, सीरो बगड़ से शुरू होके और डिस्ट्रिक्ट अस्पताल और हमारा अगस्त मुनि में भी, और यात्रा जहाँ गुप्त काशी से यात्रा एकदम नज़दीक पहुँच जाती है तो वहाँ पर भी इस प्रकार से 4 सेंटर, और सोनप्रयाग जो हमारा लास्ट है वहाँ पर भी हमने ये कोविड जाँच के जो है केंद्र स्थापित किए हुए हैं। तो यदि कोई ऐसा व्यक्ति जिसके पास RT-PCR रिपोर्ट नहीं है, अगर वो लोकल व्यक्ति है और या कोई बाहर का भी है, तो उसको हम लोकल लेवल पे जांच करवा दे रहे हैं। इसके अतिरिक्त उनके अकोमोडेशन की व्यवस्था जिस प्रकार से टेंट्स में या जो वहाँ पे GMVN के सेटअप हैं तो वो पूर्ण तरीके से बना ली गई है,
और बिजली पानी की व्यवस्थाएं भी सुचारू हैं। और जो घोड़े खच्चर और डंडी कंडी जो उनके ट्रैक रूट पे जाने के लिए रहते हैं वो भी ठीक प्रकार से चल रहे हैं। इसके अलावा हेली सर्विसेज भी चालू हो गई हैं। इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया।